वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो। दोस्तों अगर आपके पास है Vivo T3 या Vivo T3X 5G मोबाइल और आप अपने मोबाइल में दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो, कैसे लगाओगे, फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करते हो। फिंगरप्रिंट लॉक सेट करने के लिए मोबाइल की सेटिंग्स को आप ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स को ओपन करेंगे इस तरह से शो जाएगा। थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जाता है सिक्योरिटी का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। पहले से अगर आपने कोई भी प्राइवेसी लॉक, आपने पहले से कोई भी स्क्रीन लॉक बनाया है तो स्क्रीन लॉक आपको डालना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको पहले एक स्क्रीन लॉक सेट करने को बोलेगा। फिंगरप्रिंट प्लस पिन, फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न, फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड लॉक, ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वो आप यहाँ से लॉक बना लेंगे, उसके बाद में आपके मोबाइल में इस तरह से शो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट एनरोलमेंट पे क्लिक करके फिंगर से फिंगर को टच करके स्कैन करवा लेना, इस तरीके से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे फटाफट दोस्तों हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में ये आइकन जो है पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ओके वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपके मोबाइल में सक्सेसफुली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, हमारे फिंगर से फिंगर को टच करते ही मोबाइल अनलॉक हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाओगे।